हाय गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम आए हैं बाघा बीच पे, जो कि गोवा का पूरा सबसे फेमस बीच यही है। तो अभी इस बीच पे आया, डीजे वगैरह बज रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। कल हम कंडोलियम बीच पे थे, आज अभी आए बाघा बीच पे, तो यहाँ का नज़ारा देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वैसे माहौल यहाँ का आज बहुत मस्त है, आज हमारी लास्ट नाइट है यहाँ पे, तो वीडियो पे बने रहिए। और आज हम 31st के साथ आप और हम सब के साथ मिलके वीडियो में एंजॉय करते हैं। वैसे कंडोलियम बीच से अच्छा ये बीच मेरे को लग रहा है, बहुत शानदार व्यू दिख रहा है। ओहो, बीच के एकदम पास में जाते हैं और आपको भी दिखाता हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए, करते शुरू। गाइस, यहाँ का क्राउड देख सकते हो आप, कितना ज़्यादा है। ओहो, सब अंदर नहा रहे है, माहौल तो एक नंबर है, एक नंबर माहौल। गाइस, बाघा बीच तो बहुत ही शानदार बना हुआ है यार, यहाँ का तो माहौल कुछ अलग ही है। गोवा असली आने का आनंद यहाँ पे है, इस बीच पे। अगर आप भी गोवा आ रहे हो ना, तो बाघा बीच जरूर आए, यहाँ का नज़ारा कुछ और ही है। सारे बीच हमने घूम लिए है एक बार तो, लेकिन ये बीच बहुत ही शानदार है यार, बहुत अमेजिंग है। गाइस, हम घूमते घूमते पूरा एकदम बाघा बीच का स्टेचू लगा हुआ है वहाँ तक आ गए हैं, जिसको सेल्फी स्टिक भी बोल सकते हो। देख सकते हो सामने बाघा बीच, इतना घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गए हैं, बहुत ही मज़ा आ गया यहाँ पे आके। सब लोग चिल कर रहे हैं, यहाँ आने वाले लोग मज़े कर रहे हैं, फूल पी रहे हैं, खुले आम पी रहे हैं, कोई पुलिस वाले वगैरह कोई मना नहीं करते हैं, पीने वाले फुल मज़े कर रहे हैं। वैसे गोवा लोग आते 90% तो पीने वाले ही है, मैं तो बस ऐसे ही घूमने आ गया। देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है, और पब्लिक को देखो। गाइस, तो हम बाघा बीच पे कब से घूम रहे हैं, बहुत ही शानदार ये बीच है। और आप अगर गोवा हो ना, बाघा बीच जाना बिल्कुल भी ना भूले, ये बीच बहुत ही शानदार है। और यहाँ का जो रस, इतनी ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, और ये बहुत लंबा भी और क्लीन भी है, बहुत शानदार है। Couple racks on some dope shit. I got them boys lit.